हेलो और आदा बर्ड्स है। मेरा नाम है निलोफर खान और आज मैं हूँ इन अजीम हस्तियों के बीच जो कि बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और बहुत ही जाने माने डॉक्टर्स भी हैं। आई एम सुपर सुपर प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी, म्यूजिकल जर्नी रादर, जिसका नाम है ताल्लुक, व्हाट बाइंड्स अस। अब ताल्लुक है क्या? इट्स एक्चुअली एन उर्दू वर्ड जो कि बात करता है रिलेशनशिप की, कंसर्न्स की, कम्युनिकेशन की और बाइंडिंग की। ओके, सो ब्यूटिफुल एल्बम जिसका नाम है ताल्लुक, व्हाट बाइंड्स अस, इट टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, लव एंड वर्शिप। और इसको पेश करते हैं ये बेहतरीन कलाकार जो मेरे साथ आज बैठे हैं, एंड आई एम ओवरवेल्म्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस। तो ये जो मेंबर्स हैं इनके ग्रुप, और आई वुड से दे आर जस्ट कॉल्ड फिरोज, एंड दे आर ऑल बॉर्न एंड ब्रेड ऑफ केनियन एशियन ओरिजिन। और ये आपके सामने पहले भी बहुत ही प्यारी प्यारी एल्बम्स लेके आए हैं, जैसे जुबान धड़कनों की, द रिदम ऑफ लव, देन देयर इज अनदर वन कॉल्ड मकाम, अ स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड दे नाउ प्रेजेंट द लेटेस्ट क्रिएशन ताल्लुक, व्हाट बाइंड्स अस। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी इन कलाकारों को आपके सामने, दैट्स मुजाहिद, that's Abdab and Firdaus. They're all professionals in their own right. But you know what brings them together? Is they're extremely passionate about music. So Firdaus hai kya? फिरोज के मेंबर्स कौन हैं? मैं पहले उनसे आपकी मुलाकात करना चाहूँगी, और सबसे पहले मैं पेश करूँगी डॉक्टर मुजाहिद को, एंड ही इज़ अ कंसल्टेंट, ENT सर्जन बाय प्रोफेशन, और इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे एल्बम्स रिलीज किए हैं ना? जी बिल्कुल, सब देखने वालों को मेरी सलाम और आदाब। बिल्कुल, और फिर हम बढ़ेंगे आगे, दैट इज डॉक्टर आब्दा खान, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एंड शी इज आल्सो फीचर्ड इन टू एल्बम्स बिफोर। यस, हेलो एवरीवन। ओके, एंड देन वी हैव डॉक्टर फिरदौस खान यहाँ मेरे लेफ्ट में, जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं, एंड हु इज आल्सो बीन पार्ट ऑफ अर्लियर एल्बम्स। यस आई हैव। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। क्या बात है, तो ये जो बेहतरीन कलाकार यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, हम आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी उनके साथ बातें करेंगे, बट बिफोर दैट मुझे ये बताइए, लाइक व्हाट इज ताल्लुक ऑल अबाउट? थोड़ा सा गौर डालिए इस पे, इस बात पे, बिकॉज आई थिंक आई एम ओवरवेल्म्ड, मैंने सारे गाने सुने हुए हैं, तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली पहले मैं मालिक का नाम और उनकी याद लेकर शुरू करना चाहता हूँ, और फिरोज हम तीनों को साथ लेके आता है क्योंकि फिरोज हमारे मरहूम दादा का नाम था, और ये बात अनोखी है कि एक्चुअली हमने कभी ना उनको देखा, ना उनकी फोटोग्राफ कोई देखी, ना उनसे बात की, क्योंकि जिस तरह हमारी फैमिलीज मुकीम थी केनिया में, वो यहाँ नहीं आ सके थे, तो फिरोज हमने वहाँ से लिया है। तो हम तीनों बचपन से ही इकट्ठे परफॉर्मिंग म्यूजिक वगैरह करते हैं, लेकिन ताल्लुक, व्हाट बाइंड्स अस, इज आवर लेटेस्ट एल्बम, एंड वी आर एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप्स। द मीनिंग, द लिटरल मीनिंग ऑफ ताल्लुक इज रिलेशनशिप्स और बाइंडिंग, कनेक्शंस एंड कंसर्न, एंड इन एवरी कंसर्न, नीलूफर जी, एज यू नो, देयर आर ऑलवेज positives and negatives. So in this album we have explored a bit of both sides of these types of connections, aur main umeed karta hu ki jaise jaise gaane hamari album ke khulenge, hamare sunne wale inko pasand bhi karenge aur hame comments bhi bhejenge hamare is kaam ke liye। बिल्कुल भेजेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन गाने, एक से बढ़कर एक, मैं खुद नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि कौन सा एक दूसरे से बेटर है, सो वेल डन ऑन दैट। और तो आगे बढ़ेंगे हम, आई थिंक गाना सुनेंगे। हाँ जी, पहला जो जी गीत है वो हमारा टाइटल ट्रैक है ताल्लुक का, और जैसे वो गजल है, और जैसे गजलें होती है इसमें एक थीम नहीं होती, तो जानती है सब कुछ, इस मतला जो है इसका प्यार के बारे है, और लेकिन जो तीसरा शेर है इसका वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। पहले ना वाकिफ था मैं एहसास-ए-इश्क से, लेकिन पहले वाकिफ न था
मैं एहसासे इश्क से, लेकिन अब मुझे सौदा व जुनू की तो आदत हो गई। तो ये पहला हमारा ये टाइटल ट्रैक हम मुझे लगता है अभी प्ले करते हैं। चलिए सुनते हैं। जज्बात पे नई सी इनायत हो गई, मेरे जज्बात पे नई सी इनायत हो गई। पहले चाहत फिर मोहब्बत, अब इबादत हो गई। मेरे जज्बात पे बड़ी ख्वाहिश थी कि मिल जाए सुकून के दो पल, बड़ी ख्वाहिश थी कि मिल जाए सुकून के दो पल। अब मेरे चैन की दुश्मन यही फुर्सत हो गई, अब मेरे चैन की दुश्मन यही फुर्सत हो गई। पहले चाहत फिर मोहब्बत, अब इबादत हो गई। मेरे जज्बात पे सच है कि मैं उसका हूँ और वो मेरा है, हाँ ये सच है कि मैं उसका हूँ और वो मेरा है। इस ताल्लुक को नाम दे इकाफत हो गई, इस ताल्लुक को नाम देना इकाफत हो गई। पहले चाहत फिर मोहब्बत, अब इबादत हो गई। मेरे जज्बात पे पहले वाकिफ न था एहसास इश्क से, लेकिन पहले वाकिफ न था एहसास इश्क से, लेकिन अब मुझे सौदा जुनून की तो आदत हो गई, अब मुझे सौदा जुनून की तो आदत हो गई। पहले चाहत फिर मैं
जज्बात पे। तो कैसा लगा आपको ये गाना, ये गजल गीत, आप जो भी कह लीजिए, सारे नाम एक ही चीज के हैं, क्योंकि एवरीथिंग जस्ट कम्स टू प्योर सोलफुल म्यूजिक, है ना। मुझे बेहद बेहद पसंद आया, क्या बात है, मुझे आई एब्सोल्युटली एंजॉयड दिस सॉन्ग, और इसके खास करके जो लिरिक्स टोटली कनेक्ट्स विद योर सोल एंड योर माइंड एंड बॉडी एवरीथिंग, जैसे कि मेरे जज्बात पे नई सी इनायत हो गई, पहले चाहत फिर मोहब्बत अब इबादत हो गई, क्या बात है। कहाँ से आते हैं आपको ये ख्याल? बस ख्याल आते रहते हैं, बस इनको लिखना होता है। बिल्कुल, आई थिंक उसको पेपर पे यू नो अपने ख्यालों को डालना, बट आई थिंक इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन टू डू दैट, सो वेल डन ऑन दैट। और इसी के साथ हमारी एल्बम की लॉन्च हो गई है, जो कि है तालुक What binds us? इसके हम 3 एपिसोड्स आपके सामने लेके आने वाले हैं। ये हमारा पहला एपिसोड है, and you have to watch out for the other upcoming 2 more episodes. It's going to be amazing. हम आगे बढ़ेंगे और अब मैं बात करना चाहूंगी फिरदौस के साथ। फिरदौस, आप हमें बताइए, थोड़ा सा और बताइए कि ताल्लुक कैसा है, कैसा आप फिरदौस के बारे में बताइए, हाउ एवरीथिंग जस्ट बाइंड्स यू ऑल टुगेदर। इट्स अ प्लेजर टू बी टॉकिंग अबाउट द 3 ऑफ अस। एज यू नो हम सिबलिंग्स हैं, और शुरू में सिंस चाइल्डहुड इनफैक्ट वी हैव बीन इन अ काइंड ऑफ अ म्यूजिकल ऑरा। माई मॉम यूज टू सिंग, सो शी ऑलवेज यूज टू एनकरेज अस टू सिंग। ठीक है, हमने इन आवर चाइल्डहुड हमें मौसीकी की तालीम नहीं हासिल हुई, लेकिन इट वॉज अवर पैशन to sing songs and we would all sit together. मैं एक बिस्किट का डब्बा लेके उसके ऊपर ढोलक बजाती थी। क्या भाव जाए के पास एक बेबी हारमोनियम हुआ करता था, and he would play the harmonium. She would sing लता मंगेशकर के songs. और मुजाहिद और मेरी तो ऐसी जोड़ी थी कि हम duets में काफ़ी मशहूर हो गए थे। और हमारी पहली duet जो हमने I think we were barely, I was about maybe 12 years old and Mujahid maybe about 7. That time we sang this song, वो जो है झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, this is a Lata and Rafi song. So वहाँ से of course our journey just grew and we went on you know loving singing and जैसे हम बड़े होते रहे, यू नो कभी घरों की महफिलों में, कभी फ्रेंड्स की महफिलों में हमें बहुत चांसेस मिले कि हम अपना यू नो इंटरेस्ट एंड हमारा पैशन दिखाएं, एंड विद गॉड्स ग्रेस यू नो दिस पैशन टर्न्ड इनटू क्वाइट अ कमिटमेंट लेटर, क्योंकि वी एक्चुअली एंडेड अप आवर फर्स्ट रिकॉर्डिंग व्हिच वाज डन ऑफिशियली वाज on a cassette at that time. It was called Heritage and Melody. Or that also had a variety of songs depicting our life in Kenya, because, you know, here we were exposed to even Western beats and Western music. And also in that cassette, we've got a Swahili song. Yeah, because we wanted to depict ke, you know, yahan pe hamara heritage kaise badla hai while being in Nairobi, Kenya. To uske baad, of course, the journey continued. Mujahid's interest in poetry became so strong that he was actually spinning out song after song. Song after song, exactly. तो उसके बाद हमने एक और सीडी का लॉन्च किया, विच वाज जुबान धड़कनों की। एंड जस्ट टू लेट यू नो कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हमने किए इन द पास्ट, वी डेडिकेटेड दिस टू म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स ऑफ आवर्स टू चैरिटी। सो हमने यू नो जस्ट वांटेड टू गिव बैक टू सोसाइटी and help the less fortunate. So हमें उसकी वजह से भी बहुत तस्कीन मिली। And last year, of course, we did the maqam, as you had mentioned about it. और maqam के बाद अभी हम यहाँ पे हैं कि अभी हम ताल्लुक को launch कर रहे हैं। And ताल्लुक जब the naming of
this album had to be decided. तो ये ताल्लुक बहुत एक डीप यू नो काइंड ऑफ मीनिंग हमारे लिए रखता है बिकॉज मैं समझती हूँ ताल्लुक इज लाइक इमोशनल एंड सोशल कैपिटल ऑफ अ पर्सन. जैसे बिन गिजा के पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं तो वैसे ही ताल्लुक के बगैर जो ला ताल्लुक हैं उनका जीना जीना नहीं होता. बिल्कुल सही बात जी. दैट वाज द राइट डिस्क्रिप्शन कि एक ताल्लुक होना इंसान की जिंदगी में कितना जरूरी है. और मैंने ये पहले बात भी आई थिंक व्हेन आई मेट देम बिफोर वी वर हियर टुगेदर कि मैंने आई थिंक पहली बार देखा है कि एक फैमिली में हर एक मेंबर इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है. दे आर सो एजुकेटेड एंड टैलेंटेड एट द सेम टाइम. तो उसके पीछे आई थिंक माँ आपकी जो मम्मी है उनका बड़ा हाथ होगा बिकॉज शी इज अ सिंगर शी वाज अ सिंगर. तो वहां से आप इंस्पायर हुए हैं. बट एवरी वन ऑफ यू हैव सच ब्यूटीफुल वॉइसेस. बस खुदा की देन है. एंड कूल या एंड वी आर ऑफ कोर्स वेरी ग्रेटफुल टू गॉड. एंड आल्सो आई थिंक द लव दैट वी हैव गॉटन फ्रॉम आवर यू नो लिसनर्स और अदर व्यूज लेट्स से या इट हैज बीन इमेंस. सो वी हैव इट हैज एनकरेज्ड अस ऑल द म्यूजिक लवर्स. चलिए बहुत अच्छी बात है. तो अब हम बात कर ही रहे हैं फिर दोस्त से. तो बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है आपका एल्बम में पछताइयां. तो बताइए उसके बारे में थोड़ा सा. जी ये पछताइयां इट्स अ सॉन्ग व्हिच हैज गॉट अ काइंड ऑफ अ बिटर स्वीट इंटोनेशन. इसमें ऑफ कोर्स वो जो मिलन और जुदाई की दोनों पहलू आर बीइंग यू नो टॉक्ड अबाउट. लेकिन इसमें एक बहुत स्वीटनेस मुझे जो महसूस हुई व्हेन आई फर्स्ट यू नो रेड दिस पोएम. इट वाज अबाउट यू नो द पेन इज देयर बट देयर इज आल्सो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट इन दैट पेन ऑफ दिस पर्सन हैविंग हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी सो क्लोज टू समबडी के ताल्लुक रहा है और फिर यू नो द एक्सटेसी ऑफ हैविंग बीन लव्ड बाय दैट पर्सन. इट्स लाइक के जुदा है तो ठीक है लेकिन इट्स वेरी स्वीट पार्टिंग यू नो. सो आई मीन जैसे कहते हैं कि मेरी हार में भी जीत है समथिंग लाइक दैट बिटर स्वीट. बिल्कुल. आई थिंक मैं इफ आई जस्ट ऐड आई थिंक इसमें ये भी होता है कि जैसे हम कोई दोस्त या अपने चाहने वाले कहते हैं हाय यार तूने तो मार दिया वो मारना नहीं होता. तो ये भी जो है ना कि जो गाना हम अभी सुनेंगे उसमें है कि वो नहीं है कि हाय मैं मरने वाली हूँ. वो पछताना बड़ा मीठा सा पछताना होता है. मीठा सा दर्द जिसे कहते हैं. तो चलिए पछताइयां सुनते हैं. पछताइयां मैं अखियां तेरे नाल लाके की तू खटे आई सजना है ना तड़पा के की तू खटे आई सजना है ना तड़पा के. पछताइयां मैं अखियां तेरे नाल लाके पछताइयां मैं अखियां तेरे नाल लाके. मैं ते सिखियां सा तेरे कोलो प्यार दिया गल्ला. मैं ते सिखियां सा तेरे पछताइयां मैं अखियां तेरे नाल लाके पछताइयां मैं अखियां तेरे नाल लाके.
चाहुण तकनिया रा पहले कर दी सचाहुण तकनिया रा किथे टुर गए पैड़िया आवी जा किथे टुर गए पैड़िया आवी जा खुद गुम गए इश्क दे रोग लगा के पछताइया मैं अखियां तेरे नाल लाके पछताइया मैं अखियां तेरे नाल लाके जी कर दे बिछोड़िया पछताइया मैं अखियां तेरे नाल लाके पछताइया मैं अखियां तेरे नाल लाके कि तू खटे आई सजना है ना तड़पा के कि तू खटे आई सजना है ना तड़पा के पछताइया मैं अखियां तेरे नाल लाके पछताइया मैं पछताइया मैं पछताइया मैं। वेलकम बैक। और कैसा लगा आपको? बहुत ही प्यारा, मुझे तो इतना मजा आया सुन के एंड आई कुड टोटली रिलेट विद द सॉन्ग पछताइया। ब्यूटीफुल। आई थिंक आई एम गोइंग टू हियर इट अगेन एंड अगेन एंड एवरीवेयर इन माय हाउस इन माय कार एवरीवेयर इट्स ब्यूटीफुल। हम आगे बढ़ेंगे और ऑफ कोर्स हमने ये एल्बम बहुत ही और भी जो जाने माने लोग हैं कलाकार हैं नैरोबी में उनको हमने सुनाए हैं गीत के और उनमें से एक हैं हमारी बहुत ही जानी मानी रेडियो वेटरन रेडियो प्रेजेंटर जिनका नाम है परवीन आदम। उनकी बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, उनमें से आई थिंक सबसे बड़ी फैन मैं हूँ उनकी एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड प्राउड टू बी हर कलीग एज वेल एट ईस्ट एफएम। और काफ़ी वेल नोन उर्दू लैंग्वेज कॉन्सर भी हैं वो, पॉपुलर कंपेयर भी हैं और ऑर्गेनाइजर हैं कल्चरल इवेंट्स की। तो चलिए उनकी ज़बानी कुछ सुन लेते हैं, वो क्या कहती हैं ताल्लुक के बारे में। डॉक्टर मुजाहिद्दीन की नायाब एल्बम मकाम को ज़बरदस्त पजीराई हासिल हुई थी। खुशकिस्मत हैं वो जो गज़ल की लोक संगीत की चाह में उम्दा आवाज़ों की माया नाज गुलूकारी का इंतज़ार करते हैं। तो एक और नगीना पेश है डॉक्टर मुजाहिद्दीन, डॉक्टर आब्दा और डॉक्टर फिरदौस की जानिब से ताल्लुक एल्बम में। पंजाबी गीत और उर्दू में गज़लों का छोटा सा गुलदस्ता सजाया गया है। पंजाबी कदीम ज़बान में बेमिसाल तहरीरें हैं जो हमारी तहजीब की अक्कासी करती हैं। ताल्लुक में फिरदौस और आब्दा ने कमाल कर दिया पंजाबी गीतों को आवाज़ देकर। और यही नहीं, जिनके गले में अजीब कुदरत है गाते हैं तो एक रोशनी सी हो जाती है, वो हैं डॉक्टर मुजाहिद्दीन। आवाज़ में लफ्ज़ों का दरिया बहता है। पहले चाहत फिर मोहब्बत अब इबादत हो गई, सुनकर पता चलता है कि गज़ल में कितना सुकून है। इश्क व मोहब्बत की तर्जुमानी के लिए ऐसी आवाज़ दरकार है जो दिल को छू ले। गज़ल तो कूजे में समंदर को बंद करने का फ़न होता है, डॉक्टर मुजाहिद्दीन इस फ़न के काबिल हैं। मुझे यकीन है ताल्लुक एल्बम एक अनमोल तोहफा साबित होगी, सिर्फ केनिया वालों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के लिए। वैसे कहते हैं कि म्यूजिक हील्स ऑल वुंड्स, इट हील्स
टेक्स अवे ऑल योर पेन, और वही हम एग्जैक्टली कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का ये फेज जो चल रहा है आप देख रहे हैं, वैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो इसी को ही हम मद्देनजर रख के हम आराम से दूर बैठे हैं एंड वी गोना मूव फॉरवर्ड। और हम अब बात करेंगे आपदा के साथ, काफी चुप चुप बैठी है वो तो चलिए आप हमें बताइए, हमें थोड़ा सा ताल्लुक के इथोस के बारे में। अच्छा, ताल्लुक इन माय ओपिनियन द मेन मीनिंग ऑफ ताल्लुक इज कनेक्शन और रिलेशनशिप, एंड आई थिंक द प्योरेस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स दैट वी हैव इज विद द ऑलमाइटी, दैट इज वन ऑफ द प्योरेस्ट रिलेशनशिप्स। The second, I would say, is a mother-child relationship. That is also one of the most pure relationships. And after that come all other relationships, because in other connections and relationships, you can have one-sided relationships. You can have a lot of pain, suffering. Then you can have ecstasy. So there are lots of ups and downs in other relationships. My song in this album is one which relates to a one-sided relationship, unfortunately. I think we all go through this phase, one-sided relationship wala. Yes, and in this you will find that this one person who is singing this song is wishing all good for the other person and expecting nothing in return, which is I think typical of pure love. When you purely love someone, you wish the best for that person and it has got no strings attached. You don't expect anything in return from the other person. So this is what my song is about. And this is I thank Mujahid a lot to make me part of his project, Taluk. And he has composed it in a most soulful and lilting tune. And I really enjoyed singing this song. Ji, and you could connect with it totally. Yes, I can totally see it in your eyes. Aur uska naam hai Khush Khwabon. Ji, Khush Khwabon ki hawa, mere liye. इन्होंने बात की है ना कि मदर एंड चाइल्ड, तो हम जब ये गीत ऐसे कंपोजिशंस लिखी जाती हैं तो आदमी ऑफन वंडर्स कि कहाँ से आई क्रिएटिविटी, कहाँ से आई। लोग पूछते हैं हमसे कि कहाँ से सोचा यार आपने, क्या लिख दिया तूने। तो ये बात है कि नो डाउट वी नॉट प्रोफेशनल्स, हम ना प्रोफेशनल सिंगर हैं ना प्रोफेशनल राइटर्स हैं, लेकिन मैं कोई माजरत के तौर पे इसे नहीं कह रहा, मैं इसको ऐसे हकीकत है जी। लेकिन हमारा जो जुनून है, जो पैशन है, तो पैशन इज एज मच एज एनी प्रोफेशनल। तो ये पैशन को आदमी सरंजाम कैसे पहुंचाता है, वो पूरी जिंदगी की डेडिकेशन होती है। हमारी मदर एंड चाइल्ड की रिलेशनशिप की बात की है, हमारी माँ जो थी, हमारी मदर टंग पंजाबी है। ये जो गीत अभी हमने सुना है वो पंजाबी का गीत है। तो वी लर्न ऑल अवर 99% ऑफ अवर पंजाबी फ्रॉम अवर मदर, एंड शी यूज्ड टू हैव एन एक्सीलेंट मेमोरी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कोट्स, हंड्रेड्स ऑफ पोइम्स व्हिच शी यूज्ड टू रिसाइट टू अस ओरली। और हमने लिख लिए, कभी हम दुआ मांगते हैं वो खुदा हमें जन्नत नसीब करे, बट वी विल डेफिनेटली वन डे पब्लिश ऑल ऑफ दोस कोट्स ऑफ हर्स। डेफिनेटली वी वेटिंग फॉर दैट। हां बिल्कुल। तो अब जैसे आपदा ने कहा कि आप लिरिसिस्ट हैं एंड यू आर द पोएट एंड यू आर द राइटर ऑफ ऑल द एल्बम्स, राइट, ऑल ऑफ देम। तो आप इतने बिजी रहते हैं अपने प्रोफेशन में, तो वक्त कैसे निकाल पाते हैं, कहां से आपको आइडियाज आते हैं? मैं ये सवाल जो है मैं दूसरे फोरम्स पे भी आंसर कर चुका हूँ, और मैं यही कहूँगा कि वक्त एक्चुअली यू हैव इफ यू लव समथिंग इनफ यू विल मेक टाइम फॉर इट। ये इट डजंट वर्क द अदर वे अराउंड कि टाइम होगा तो मैं ये करूँगा, नहीं नहीं। अगर आपने कुछ करना है ना, चाहे वो साइकिलिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, फ्लावर अरेंजमेंट हो, तो आप टाइम बनाएंगे उसके लिए। तो फिर बात यह कि कहाँ तक लेके जाना है, अपने इस पैशन को कहाँ तक लेके जाना है। अगर आपने कहीं इसको मयार तक पहुंचाना है, कोई मकाम अटेन करना है, तो देन यू हैव टू, शायद हमारी उस दिन बात हुई थी, तो मैं कह रहा था कि मोस्ट
what people think is genius may be just 10% inspiration and 90% perspiration. And a lot of motivation for us right now. कि अगर आपको कोई चीज करनी है जिंदगी में तो ये मत कहिए कि वक्त होगा तो मैं करूंगी. जी बिल्कुल. दूसरी लाइन आपने क्या की कि मैं वक्त निकालूंगी. हाँ निकालना पड़ता है अगर आप डेफिनेटली मोटिवेट. तो खुश ख्वाबों की बात कर रहे हैं तो हम गाना सुनते हैं. जस्ट टू इंटरजेक्ट क्योंकि I want, of course, the song to be played. लेकिन मुझे एक चीज आपदा के बारे में ये कहना जरूरी है कि you know she has been like the nightingale of our family. ये जब छोटी ये उम्र में भी she used to play the whole cassette of मुझे आजम के गाने. Wow. कितने she was that close to singing and all that and very beautifully sung. And I think she'll testify to it ke inka favorite singer inko puche kaun hai. meri favorite singer to Lata Mangeshkar thi lekin mujhe Talat Mehmood se bhi bahut pyar tha. Unki awaaz se. I wanted her to say that because ye chup chup ke ek hamare paas chota sa tape recorder hota tha usme cassette dal ke तो ये रजाई के नीचे रात में तलत महमूद की गाने सुनाते थे. या एंड आई वुड जस्ट वंडर कि क्या हो रहा है टिल आई रियलाइज दैट शी वाज लाइक शी वाज हैविंग अ क्रश ऑन द लाइन. क्रश होना भी जरूरी है. दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्ड विद द एंटायर एल्बम. बट अब जैसे हम आपदा की बात ही कर रहे हैं तो खुश ख्वाबों की हम आई थिंक आगे बढ़ के हम गाना सुनेंगे. खुश्क ख्वाबों की हवा मेरे लिए खुश्क ख्वाबों की हवा मेरे लिए अश्क पीने में नशा में खुश्क ख्वाबों की हवा मेरे लिए जाने किस ta
अश्क पीने में नशा मेरे लिए खुश्क ख्वाबों की हवा खूबसूरत गीत हमने आपके सामने पेश किए, बड़े ही प्यारे गीत, ब्यूटीफुल लिरिक्स, ब्यूटीफुल वॉइसेस, तो थैंक यू सो मच। और हम आगे बढ़ेंगे, अभी हमारे और दो एपिसोड्स आने वाले हैं और जिसमें हम और पांच गीत आपके सामने पेश करने वाले हैं, ना जी बिल्कुल। तो कुछ और अपनी टीम के बारे में बताइए। हां, बस मुख्तसर मैं ये कहना चाहता था कि हम तीनों जो हैं, हम तो खैर आर्टिस्ट भी हैं लेकिन हमारी प्रोडक्शन टीम में एक और भी मोहतरमा है जिनका नाम तौसीफ दीन है, वो मेरी अहलिया है तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा उनके बारे में, लेकिन उनके बगैर ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकता था। और हमारे साथ जिन्होंने ये म्यूज़िक को तरतीब किया है, पहला नाम मैं नितिन बरसानी साहब का लूँगा, इनका स्टूडियो भी है, खुद बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत जानकारी रखते हैं मौसीकी की, लेकिन हमारे साथ इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन और अरेंजमेंट की है और साउंड रिकॉर्डिंग। और आई थिंक अगर केनिया में किसी ने भी कोई एल्बम की है तो एक नाम तो डेफिनेटली मेंशन होता है, हमारे जो तबला नवाज और ढोलक नवाज हैं वो प्रीतम विद्दी हैं, वो जाने माने इंटरनेशनली एक्लेम्ड आर्टिस्ट हैं और उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो फिलहाल मैं इन लोगों के नाम लेता हूँ और जैसे जैसे अगले एपिसोड में मिलेंगे तो हम और भी बातें करेंगे। बिल्कुल, और भी बातें करेंगे और अच्छे अच्छे गीत सुनेंगे। ताल्लुक व्हाट बाइंड्स अस।